मैं आपको महाभारत काल में ले चलूंगा। पांडव वनवास से वापस आ चुके हैं और अपना खोया हुआ राज्य दुर्योधन से वापस पाने के लिए श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के दरबार में भेजा जाता है। तो इन्हीं पंक्तियों को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, तो वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, कि दो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, पर दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बुलाकर साथ मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे यह देख मौन मुझमें लय है यह देख गगन मुझमें लय है मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें संघार झूलता है मुझमें उदिया जल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल मुझ पर दिबंध को घेरे हैं मैं नाग में रूपक मेरे हैं और दीप्त जो गए नक्षत्र निकल सब है मेरे मुख के भीतर दृगो तो दृश्य कांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख चराचर जीव जक्षर रक्षर नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सहित सर सिंधु मंत्र सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि जिष्णु जलपति रमेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बजाकर साधिने हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने भूलो का तल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदृशिजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी भू है पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबल में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जंग मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं जिह्वा से करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मोल न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा याचना नहीं अब रण होगा जीवन चाहे या कि मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकल भूपल वर्षेगी वहन प्रखर पर शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विषपान बूद से छूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे वाया श्रृगाल सुख लूटेंगे और आखिर तू भूसाई होगा आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे वहां पर उपस्थित सभी सभा सभा में जितने भी लोग थे श्री कृष्ण का यह अवतार देख के एकदम बेहोश पड़ गए थे। तो थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर नागाते थे धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय धन्यवाद।